विजय दिवस अधिवेशन में अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दो बड़े योद्धा। जी हां, विजय दिवस पर योद्धाओं से बात ना हो तो फिर क्या बात हो। और ये दो योद्धा जो हैं वो खेल के मैदान में हैं, हालांकि ये अपने विचारों के लिए भी जाने जाते हैं और दोनों के विचार अलग अलग हैं। विश्व चैंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह और विश्व चैंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त, दोनों का स्वागत है। योगेश्वर हमारे साथ पहले जुड़ रहे हैं। योगेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार जी सभी को, धन्यवाद जी। और विजेंद्र जी हमारे साथ है। विजेंद्र वेलकम। थैंक यू जी, मेहरबानी, थैंक यू। ये बताइए कि आप दोनों योद्धा हैं और इस वक्त हम कारगिल दिवस पर ये बात कर रहे हैं, विजय दिवस पर ये बात कर रहे हैं, चीन उधर सेना के साथ चल रहा है, वहाँ पर लद्दाख में भी चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम विजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे आप अगर जो कोई सैनिक लद्दाख में तैनात होगा उसको विजेंद्र वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर का मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज उन सब के लिए यही होगा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ तन मन धन से, जिस तरह की भी मदद चाहिएगी हम उनके साथ हैं। और जो हौसला है उसको आप बढ़ाए रखें, और कहते पूरा हिंदुस्तान जो पूरा आवाम है उनके साथ, हमेशा सपोर्ट के साथ उनके पीछे खड़ा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। योगेश्वर देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं अपने सभी जवानों को जो वो चाहे लद्दाख में हो, किसी भी बॉर्डर पे खड़ा हो, क्योंकि आज उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। वो दिन रात जगते हैं हमारे लिए, हमारी सेवा करते हैं, और पूरा देश को गर्व होता है, गर्व है हमारी सेना पे, हमारे जवानों पे। और जो चीन का जो डट के पीछे मुकाबला किया था उसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए थे और धोखे से वो वार हुआ था जी। वो भी हमारे लिए एक बड़े दुख का पल था और गर्व का पल था कि हमारे थोड़े से जवानों ने बड़ा डट के मुकाबला किया और मुंह तोड़ चाइना को जवाब दिया, और हम पूरा देश उनको नतमस्तक करता, हमारे जवानों को, कि वो हमारे सेवा में हमें आराम से जिंदगी व्यतीत करने में, आराम से छोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बताइए विजेंद्र, कि आजकल बात होती है कि फ्री हैंड दिया जाए सैनिकों को, सेना को, यूनिट को फ्री हैंड दिया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? जी, फ्री हैंड तो पहले भी था, आई थिंक अभी तो कोई ऐसा कुछ नई बात तो हुई नहीं है। पहले भी कहते सेना सारे काम करती थी, अब भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आई डोंट थिंक सो कि सेना किसी के दबाव में या किसी के पक्ष में काम करती है। अगर वो हमारे मारेंगे तो हम उनके मारेंगे, भैया सिंपल सी बात है। लेकिन जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ प्यार से और कहते कि आराम से रहें, बिकॉज जो हम पढ़ते थे शिष्टाचार की बातें तो कहते थे पड़ोसियों से अच्छी तरह से रहें, तो लेकिन कई कहते कि खतरनाक पड़ोसी हो जाते हैं कई बार, तो उनसे निपटने के लिए सरकार ने कहते कि फ्री हैंड तो दे ही रखा आर्मी को पहले से ही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ नई बात होगी, फ्री हैंड है नहीं है तो वो अपनी कार्रवाई करती रहती है आर्मी। जी योगेश्वर, आप भी सहमत हैं इससे कि अभी क्यों कहते हैं फिर कि भाई अब फ्री हैंड दिया गया है? देखिए हर बार फ्री हैंड दिया हुआ है और पहले भी दिया गया, जब भी कार्रवाई करने की बात आती है, क्योंकि हम हिंदुस्तान का, हमारा हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, और कभी भी हिंदुस्तान पहले बार नहीं करता, और उसका खामियाजा भी हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा है धोखे से, हिंदुस्तान ने बहुत धोखे खाए हैं इसी वजह से, पर जवाबी कार्रवाई हमेशा हमारे जवानों ने की है, हमारी सेना ने की है, उन पे इसलिए मैं गर्व भी है। और जब तक शांति की बात होती है नहीं, तो एक फाइटर चैंपियन जो है योगेश्वर एक फाइटर चैंपियन, आप जो आपने कहा ना कि हमने धोखे भी खाए हैं, उसका खामियाजा भी भुगता है, उसका नुकसान भी हुआ है, तो एक फाइटर चैंपियन उसमें कैसे सोचता है कि क्या करना चाहिए कि ऐसे धोखे ना खाए जाए? देखिए हर तरह, देखिए कितनी आप ये अभी आप यहाँ पे अभी चाइना बॉर्डर पे देखिए कि धोखे से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं जी, इसलिए हमें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। ताकतवर हम हैं, पर और ज्यादा हमें मजबूत और ताकतवर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और पड़ोसी अच्छा हो तो बहुत ज्यादा तरक्की होती है, बहुत ज्यादा खुशहाली होती है, और जब पड़ोसी कहीं भी निकम्मा हो
धोखेबाज हो, पर तो पड़ोसी तो चुन भी चुन भी नहीं सकते ना, पड़ोसी तो पड़ोसी है, वो तो चुन नहीं सकते। चलिए अगले राउंड पे चलते हैं। जैसे आपके आपके बाउट्स में राउंड होते हैं ना, यहाँ हम कोई बाउट नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में, कोई डिबेट नहीं हो रही है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा। मैं अगले नहीं, पड़ोसी का हर पड़ोसी का दबाव सबके पास होता है। आपके घर में कोई आपके अड़ोस पड़ोस में घर के पास में है तो आप उसका जरूर कोई कोई इलाज रखोगे जी, आप कुछ भी करोगे। चलिए अगला बहुत जरूरी है, अगला राउंड कोरोना का राउंड, अगला राउंड कोरोना का राउंड। विजेंद्र ये बताइए कि कोरोना की लड़ाई अब तक कैसी लड़ी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? भैया मैं अपने बिहा पे बताऊं तो मैं अपने घर पे बैठा हूं, मैं जो भी सरकार ने गाइडलाइन दी है वो सारी फॉलो कर रहा हूं। मैं बाहर नहीं निकल रहा, लोगों से नहीं मिल रहा, बहुत सारे फोन मेरे पास भी आते हैं कि भैया वहां आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन सारी गाइडलाइन करके मैं, बिकॉज मेरी बच्चे छोटे, तो मैं घर पे बैठा आराम से। और जो भी कहते हैं जो कोरोना वायरस फैला है, जैसे ही फैला है कहते भैया, मैं तो उनसे कहते कि पंगा लेना बंद कर दिया, भाई दूर रहो, बिकॉज भीड़ है तो कोरोना है ऑफ कोर्स, तो बाहर ना निकले। लोगों को भी यही सलाह देता हूँ, और इस मुश्किल घड़ी में कहते जितनी भी मदद हो जाए लोगों की, हाँ। वो भी कर देते हैं हम, तो सिंपल सी बात है। नहीं, भारत और भारत की लड़ाई कितनी कामयाब रही है, उस पर क्या कहेंगे विजेंद्र? अभी आप ही बता दीजिए, बिकॉज पहले कहते कि कितने 400 थे तो कहते दिया मोमबत्ती जल रही थी, अभी कहते 10 लाख हो गए तो अभी अभी क्या जलाएंगे, तो बता दें, आप ही बता दें, आप ज्यादा समझदार हैं, आप लोगों से ज्यादा मिलते, तो आप ही बताइए इस बारे में। आपने आपने ट्वीट किया कि डीजे बजवा देना चाहिए वो अच्छी बात है, और एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। योगेश्वर कैसी कैसी आपकी नजर में कैसी रही है लड़ाई? देखिए आप कोरोना की अगर आप देखिए, पूरे आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी से सभी देश दुखी हैं, उसमें हिंदुस्तान भी दुखी है, पर आप अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, और केस लगभग 11 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, पर लड़ाई तो सरकार ने लड़ी है ना, हमारे डॉक्टरों ने लड़ाई लड़ी है, हमारे पुलिस वाले ने लड़ाई लड़ी है, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने लड़ाई लड़ी है, और उसमें आप देखिए कि काफी हद तक वो चीजें हैं, आप दिल्ली और महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन 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 विजेंद्र तो, लेकिन विजेंद्र जो बात कर रहे हैं ना कि भाई पहले इतने कम थे तब हमने इतना, अभी वो देखिए डीजे बजाने वाली ये वो चीजें एक देश की एकजुटता दिखाने की चीजें थी, अब आप जनता कर्फ्यू को देखो तो पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान पे पूरा देश ने कर्फ्यू का पालन किया, उनके एक आह्वान से एक आवाज से सभी देशवासियों ने दिया भी जलाया, घंटी बजाई, ताली बजाई, और जो लॉकडाउन किया था उसका भी पालन किया, वो देश की एक ये ताकत दिखाता है कि हम इस लड़ाई में एक साथ हैं, इसका कोई कुछ भी मतलब निकाल सकता है। ये किसी ने नहीं कहा कि घंटी बजाने से कोरोना खत्म हो जाएगा या डीजे बजवा दे इतनी हुए थे, वो ये चीजें तो एक आप इससे राजनीति से हटके अगर सोचोगे तो वो चीजें अलग हैं। नहीं नहीं राजनीति की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, देश की बात आती है तो हाँ हाँ अगर हाँ, ये डीजे हाँ। ये तो राजनीति की बात हो जाती है कि बाबा उस पे 400 पे मोमबत्तियां जलवाई थी, दिए जलवाए थे, डीजे बजवा दो, अगर इससे केस और ज्यादा बढ़े फिर क्या बजवाओगे, वो चीजें नहीं है, पर देश को एकजुट करने की, एकजुट कर दिखाने की कई बात आती है, और कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है तो करना बहुत जरूरी है, और वो होना भी चाहिए, और पूरे विश्व और कई देशों ने हिंदुस्तान की उसी तर्ज पे ये काम किया भी है, मोमबत्तियां भी जलाई है। आपने आपने दिया जलाया था विजेंद्र? मैं तो पूरा घर में ऊपर से लेकर नीचे तक, बिकॉज कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज आए थे मेरे पास कि भैया ऐसी किरणें निकलती हैं धूप से कि उससे दिए से कि वो हो जाती है, दट कोरोना भाग जाता, तो मेरी वाइफ थोड़ी सी बहमी है तो उसने सारे घर में कर दिए हुए लाइट वाइट जलवा दी थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज आपको भी आते हैं? अभी क्या करें सर, भेज देते हैं अभी मैं, चलो ठीक है भैया, कहते फैमिली कहते बचने के लिए तो आदमी क्या करेगा, तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं फिर। और आप सीधा अपनी पत्नी पर वो डाल रहे हैं कि वो वहमी है, वो करती है, हम नहीं करते, ये तो ठीक बात नहीं हुई। भैया भैया मानना तो पड़ेगा ना, घरवाली बिकॉज़ शी इज द बॉस, राइट, सो यू शुड लिसन टू हर। हां लिसन टू हर, लेकिन वहमी आप उनको वहमी बोल दो और लिसन टू हर क्या हुआ फिर? नहीं भैया वह तो करना पड़ता ना, बिकॉज देखिए कई लोग कहते प्यार से मान जाते, कई लोग वहम से, कई लोग डांट से, तो भैया लेकिन करनी पड़ती है चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो। ये कौन चलाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी योगेश्वर जी?
भाई साहब देखिए हमें क्या पता कौन चलाता है, हम तो चलाते नहीं। हाँ सही बात है योगेश जी, को क्या मालूम पड़ेगा इसे। हाँ हमें तो मतलब जो मैं लगा कि सही देश की है कहीं बात किशोर जी, आपका भी ये है सवाल सही है कि एकजुटता दिखाएंगे। लाइक नहीं हाँ भाई हाँ नहीं बिजेंद्र योगेश ने जी। बोल दिया, बिजेंद्र बिल्कुल भैया बिजेंद्र ने बता दी कि भैया भाभी जी ने बोला था, मतलब मेरी भाभी जी ने बोला था कि भाई ये करना है, ये दौरानी है, ये सुनना था, अच्छी और बात है। क्या, और कुछ और हाँ क्या। वो चीजें बिल्कुल सही है। अच्छा तो अच्छा एक बात बताइए योगेश्वर जी, अब अभी देश में अच्छे दिन आ चुके हैं कि नहीं आए? देखिए भाई साहब देश में अच्छे दिन आज के टाइम में हम अच्छे दिन नहीं बोल सकते, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा देश परेशान है। वो कहीं और अच्छे बुरे दिन हमेशा चलते रहते हैं, और आप बुरे दिन को भी अच्छा दिन बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई भी हो चाहे। इस कोरोना महामारी में हम नहीं बोल सकते, और ये सबसे बड़ी भी और सबसे जागरूक होने की बात है कि हमें लोगों को जागरूक करना है इस कोरोना महामारी, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती, जब तक ये कंट्रोल नहीं होता हो जाता, हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अच्छे दिन वो तो बुरे दिन चल ही रहे हैं, वो तो दुनिया के ही चल रहे हैं। तो फिर जब बुरे दिन खुद आप बोले तो हम तो कैसे बोल किशोर दें जी आप किसी को। बताएं ना, आपका कौन से अच्छे दिन की बात करें, लाइक कौन से अच्छे दिन होते हैं ये बताएं प्लीज मेरे को, एक बार मैं सोच लूं पहले। नहीं तो आप बताइए कि विजेंदर विजेंदर मूड में लग रहे हैं आज, मुझे मुझे आप नहीं बताइए नहीं मैं पूछ रहा कि हूँ जस्ट आस्किंग यू कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अच्छे दिन कौन से होते हैं ये तो बता दें प्लीज, कि हाँ भाई जिस दिन ये डीजे चलता हो या से कुछ शादी वादी हो या वो अच्छे दिन हो, कौन सा अच्छे दिन होते हैं। हाँ बताइए योगेश्वर जी बताइए जरा। देखिए सबका अलग महत्व तो अच्छे दिन के लिए। अगर अभी कुछ किसी गरीब कोई किसान के घर में अगर कुछ के अकाउंट में पैसे आते हैं तो उसके लिए वो अच्छा दिन होता है। किसी गरीब को लॉकडाउन में, क्योंकि पूरे देश में लोग सभी सभी लोग घर पे बंद थे, उसको राशन मिल जाता है उस दिन, उसके घर पे राशन आता है तो उसके लिए वो अच्छे दिन है। किसी को लोन मिल जाता है इतने बुरे टाइम में तो उसके लिए वो अच्छे दिन है। किसी को नहीं मिलता तो उसके लिए अच्छे दिन नहीं है। वो सबका अलग महत्व है, क्योंकि आप 135 करोड़ की जनसंख्या को पॉपुलेशन को एक राज्य में नहीं तोड़ सकते। किसी को कोई इस बुरे टाइम में कोई लाभ होता है, कोई सरकार द्वारा कोई चीज मिलती है तो उसके लिए वो अच्छे दिन, और जिसको नहीं आता कुछ कमियां होती हैं तो उसके लिए वो बुरे दिन। जी तो विजेंद्र जी ये है डेफिनेशन। अच्छा ओके मैं सोचता फैमिली के साथ एक साथ हूँ दोनों, तो यार सवाल तो आपसे पूछा था ना किशोर जी, तो हाँ लेकिन योगेश ने अच्छा जवाब दिया मैं तो मैं ऐसा है ना कि आप तो फाइटर लोग हो, हम लोग एंकर तो लोग हैं, हमारा काम फाइट करवाना है, करना नहीं है। क्या करें, फाइट तो करवा तब से लगे तो हुए आप, कभी कभी अच्छे तो दिन कभी कुछ आपके किसी के तो हमसे तो अच्छे ऊपर भाई साहब हमसे तो अच्छे दिन आपके हुए ना, आप तो हाँ बाहर देख के सही मजा ले रहे हो बात हाँ मतलब दोनों फाइटर मिलके अगर अभी एक अभी किशोर जी अब आदमी। क्या करें, हाँ अभी आपको मसाला दे नहीं रहे जो आप चाहते हैं राइट, नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, तो मैं नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ मकसद नहीं है, बिल्कुल मकसद नहीं है, तो हंसी की बात हो रही थी। नहीं बिल्कुल ऐसा ऐसा मकसद नहीं है। देखिए बिजेंद्र भी हाँ खिलाड़ी है और देश के लिए खेला है, देश के लिए सोचता है, हम भी खिलाड़ी है देश के लिए खेले हैं, दिल में बिल्कुल देश बसता है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मसाले वाली बातें तो ना तो बिजेंद्र के पास है ना हमारे पास है। हाँ जी जो जी विचार अलग हो सकते हैं, पर जो बात देश की बात होगी बिल्कुल उसमें बिल्कुल खुल के बिल्कुल बात होगी, उसमें निश्चिंत रहिए आप। नहीं हमें उसकी चिंता नहीं। हम ऐसा चलिए अच्छा टॉपिक बदलते हैं। एक बात मुझे बताइए कि विजेंदर आपने तो काफी योगेश्वर से ज्यादा एक्सपोजर लिया मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का। ये जब से सुशांत सिंह राजपूत की बात हुई उसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई कि भाई जो भाई भतीजावाद है वो वहां पर है, हर जगह होता है, लेकिन वो जो फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद इस सब को वजह बताने लग गए लोग, इस पर आपकी क्या राय है विजेंदर? जी इस पे मेरी राय यही है कि जो पहले तो मैं सुशांत की बात करूं, तो मुझे कहीं से भी जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मेरे लिए बहुत दुखद थी, बिकॉज मैं कभी मिला नहीं, बट जैसे उसकी एक्टिंग थी उसकी मूवीज मैंने देखी है तो वो काबिले तारीफ थी, लेकिन मैं एकदम शॉक था कि लाइक ऐसा भी कोई आदमी कर सकता है। और रही बात नेपोटिज्म की, तो भैया इट्स एवरीवेयर, चाहे आप राजनीति में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, और कहीं भी देख लीजिए,
ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए हर जगह नेपोटिज्म तो है ही, बिकॉज हर एक उनको पता चलता है कि भैया जो कहते नेता अपने बेटे को नेता ही बनाएगा, जो कहते हैं जो ब्यूरोक्रेट अपने बेटे को ब्यूरोक्रेट बनाएगा, जो डॉक्टर है वो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएगा। तो ये इट्स एवरीवेयर, कोई नई बात नहीं है। तो नहीं, पर योगेश्वर जी तो कहेंगे कि नहीं उनकी पार्टी में नहीं है। योगेश्वर जी आपकी पार्टी में है? देखिए देखिए, अब मैं बिजेंद्र की बात से सहमत हूँ, इसमें बात घुमाने और बात नहीं है। हर जगह कहीं ज्यादा कहीं कम ये चीजें हैं, हर जगह हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत जी की बात की, उन्होंने आत्महत्या की, हमारे लिए सबके लिए दुखद बात है कि कोई प्रतिभाशाली प्रतिभावान कोई न्यूकमर कहीं भी हो, किसी भी फील्ड का हो, जब ऐसा कदम उठाता है तो उसके लिए वो कितने बुरे टाइम से, कितने बुरे टाइम में होगा वो, जिसने अपनी जीवन लीला ही खत्म करने का फैसला कर लिया। ऐसी चीजों पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। और नहीं, इलाज क्या है? कहीं खेल में भी ये चीजें हैं, खेल में भी है। खेल में कैसे हैं? कहीं आप अगर आप किसी टीम गेम में, कहीं ना कहीं ये बातें उठती रही हैं हमेशा भी कि भाई मैं प्रतिभावान था, मैं उनसे अच्छा था, मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। खासकर टीम गेम की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल गेम में तो इतना नहीं है, 19-20 का कहीं भी हो सकता है, पर टीम गेम में तो चीजें हमेशा निकल के आए भी हैं। आप विजेंद्र ने सही बोला, राजनीति में वो चीजें हैं, आप कहीं भी हो हर जगह वो चीजें हैं, और जिन पे ये बेशक हो, पर जो आप जो प्रतिभावान है, जो प्रतिभाशाली है, उनको ना दबा जाए। नहीं, पर अभी अभी का जो दौर है राजनीति का, आप जैसे कह रहे हैं ना, अभी का जो दौर है उसमें तो ये कहा जाता है भाई एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो तो फिर प्रतिभा या वो मौके वाली बात फिर बड़ा है। देखिए, चाय वाला प्रधानमंत्री बना, इसमें कोई दोराय नहीं, पर एक ये तो नहीं है कि पूरे इस देश के सभी राजनेताओं में ऐसी चीजें हैं, जितने भी राजनेता हैं उसमें चाहे कोई भी आ गया, वो चीजें तो खत्म करनी होंगी ना, और करने की कोशिश भी जारी है। पर वो चीजें तो पूरा पूरा हर पार्टी से, हर खेल के क्षेत्र से, हर उसमें चाहे फिल्म इंडस्ट्री जा गई, उन हर जगह से वो चीजें खत्म करनी होंगी। और जो तो प्रतिभावान है, जो योग्यता योग्य है, उनको तो आगे बढ़ाना जरूरी है ना। ये हकीकत है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं, ये मानते हैं आप योगेश्वर जी? बिल्कुल मानते हैं आप, मानते हैं कि उन्होंने जिस जहाँ से वो निकल के रहा, जो देश का जिसके प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का, उन्होंने पूरे विश्व में डंका बजवाया है, सभी देशों से मान सम्मान मिला है, इज्जत मिली है। और कुछ भी बात हो तो आप खुद देख लीजिए, पूरी दुनिया में आप इस चीज को देख सकते हैं, हर जगह एक अलग शोहरत मिली है, और देश के बहुत अच्छे और सफल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। विजेंद्र से ये सवाल नहीं पूछूंगा मैं। क्या क्या सवाल था आपके, सवाल क्या था बताएं प्लीज। नहीं नहीं, मैं ये वो बात हो रही थी ना कि परिवारवाद राजनीति में भी है, ये है अब तो, अब ये कहा जाता है कि अब तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, तो मैंने पूछा कि क्या वो अब तक के बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, आपसे भी पूछूं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, इतने बड़े पद पर जाना बहुत बड़ी बात होती है, और चाहे कोई भी प्रधानमंत्री, सब बेहतरीन थे और अच्छा काम किया है, कोई मुल्क के बारे में सोचता, देश के बारे में सोचता है, और अच्छा देश को आगे लेके जाएं, यही सब लोग चाहते हैं। वो कहते हैं जब एक प्रधानमंत्री बन जाता तो एक पार्टी एक एक समूह का नहीं रहता, वो सबका एक एक प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, पर सब पूरे देश की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो ये नहीं कि वो किसी एक पार्टी के लिए काम करता उस टाइम पे। चलिए, ये विजेंद्र ऐसा कह रहे थे कि भाई विजेंद्र जो हैं जब मूड में होते हैं तो खुल के बोलते हैं, फिर कई बार कहते हैं कि नहीं हमसे ये वाली बातें मत किया करो, तो आज कौन सा वाला मूड है? आज वैसे प्रधानमंत्री के बारे में बात पूछे, उन्होंने अपनी बात रखी है कि भाई दो देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के, उसमें बात कोई गलत नहीं विजेंद्र जी की। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, गलत की तो बात ही नहीं है, हम तो मैं क्या पूछना चाहते हैं आप बताएं। मैं शुरू में ही कह दिया था कि कोई डिबेट, कोई लड़ाई नहीं कर, कोई डिबेट नहीं हो रही है, ये कोई टीवी की डिबेट नहीं हो रही, हम दो आपके आप दोनों के अलग अलग विचार हैं, उन दोनों के कई जगह एक जैसे भी विचार है। हमारे विचार अलग कहाँ हुए, हमारी जो हमने इलेक्शन लड़ा, जो पार्टियां थी वो विचार अलग, हाँ वही वही, हमारे दोनों के विचार एक ही है। इसने जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हम भी देश की बात करते हैं। जी जी, वही एग्जैक्टली वही मकसद था कि भाई आप अलग अलग मंचों से जरूर होंगे, रहे हैं और बने हुए हैं, लेकिन अलग मंच कहाँ, एक हरियाणा से बिलोंग करते हैं हम भी, इनका थोड़ा 2 घंटे दूर हो गया, मैं भिवानी से हूँ, ये अपना पानीपत से अपना।
ठीक तो नहीं ये, क्योंकि आपने अच्छा जब से प्रोफेशनल हुए विजेंदर आपने सारे बाउट जीते, जहां तक मेरी जानकारी है 12 बाउट थे अभी तक, 12 के 12 आपने जीते जी, एक ही बाउट हारे आप जी, नहीं कौन से हार गए जी जी, एक नहीं उनको पता नहीं, सुनिए पहले सवाल सुनिए पहले, योगेश भाई सवाल सुनिए इनका, एक 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 बाउट एक एक बाउट आप हारे, एक आप भी हार गए योगेश्वर, तो वो बाउट हारने पे बाउट क्या अलग थी? हाँ तो वो अलग थी, वो बताइए कि वो फाइटर जो होता है वो उस बाउट के बारे में और उस बाउट के बारे में क्या बोलता है विजेंदर? अच्छा वो कहते हैं कि देखिए जनता का जो निर्णय था वो दे दिया, इसमें कहते हो हमारा जोर नहीं लगता, हम तो कहते गए थे भैया वोट दे दो, उन्होंने नहीं दिए, बात खत्म हुई भाई, चल ठीक है, लेकिन हार तब होती जब आदमी कहते कि दोबारा कोशिश ना करे, लेकिन 24 आएगा दोबारा फिर कोशिश करेंगे, अगर वो जनता चाहती है कि भैया हाँ दोबारा इनको वोट देना है नहीं देना है वो जनता का फैसला होगा, रही बात हमारे बॉक्सिंग रिंग का वो अलग काम है, हम करते रहते, वो कहते उसमें हमारी मेहनत लगती है, वो हम किसी ऊपर डिपेंड रहते तो, लेकिन इस मुकाबले में हमें दूसरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है जीतने के लिए, जो कि जनता है, तो जनता कई बार जिताती है कई बार पटक्के मारती है, जो पटक्के मार दिए अच्छी बात है नहीं तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जनता के अलावा पार्टी पे भी तो डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना, पार्टी अगर पार्टी नहीं अगर, लेकिन जनता अपना एक एक चेहरा देखती है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। योगेश्वर जी वो उस टाइम में विजेंद्र बेसर, हाँ बोलिए भाई साहब, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ योगेश्वर जी? देखिए बिल्कुल भाई साहब, हार जीत चलती रहती है जी, उनका हिस्सा है, कई जगह मुद्दे अलग होते हैं और एक जो यहाँ पे तो लोकतंत्र है और सभी को अपना हक है, सबको एक वो होती है कि इस बार लोग किसको वोट दें, किस किन मुद्दों पे वोट देंगे जी वहां पे, क्योंकि उसमें एक पार्टी की तरफ अगर विजेंद्र की बात है मेरी बात हो, विजेंद्र भाई कांग्रेस में है तब नहीं जीत पाई मैं, और बीजेपी जीती, मैं बीजेपी में हूं तब भी नहीं जीत पाया, कई चीजें अलग हो जाती हैं, कई कई मुद्दे अलग हो जाते हैं उस पे, कई ऐसी बात हो जाती है, कई इंसान को छोड़ के ये देखा जाता है कि भैया पार्टी को किसको वोट देना, हमें देश की हित में कौन सी ज्यादा मतलब वो बातें की हैं, वो चीजें हैं, वो चीजें फिर कहीं ना कहीं उसमें हार का भी मुझे देखना पड़ता है, पर हमेशा दिल में तो विजेंद्र के भी मन में थी कि देश के समाज सेवा करनी है, हमारे मन में भी थी और वो कर भी रहे हैं, और आज भी चलती रहती है, खेल में भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, आगे जीते भी गए, आप कह रहे हैं कि पार्टी एक मन में कुछ करने के लिए, वही मेरा सवाल था कि हाँ, पार्टी पे भी तो डिपेंडेंट होता है ना भाई, सिर्फ जनता के वोट की बात नहीं है, पार्टी अगर पार्टी को नहीं जिता रही जनता तो आप भी अगर अच्छे हो तब भी हो सकता है ना जीत पाए, जो आप कह रहे हैं योगेश्वर जी। ये बताइए मुझे, बिल्कुल ये बताइए योगेश्वर जी, राहुल गांधी में दम है नरेंद्र मोदी को हराने का? भाई साहब बिल्कुल भी दम नहीं है, और जब कभी दम दिखेगा तो बता देंगे, आज के टाइम में मेरे को नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के टक्कर का कोई हिंदुस्तान में नेता है, इसलिए अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो 24 में भी जहां तक है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब विजेंद्र के तो दोस्त हैं राहुल गांधी तो विजेंद्र के लिए इसमें क्या दिक्कत है, वो तो भैया सबके अपने विचार, वो सबके पसंद अलग अलग होती है, कुछ विजेंद्र को भी हराना चाहते हैं, कुछ हमें भी हराना चाहते हैं, कुछ हमें जीतना चाहते हैं, विजेंद्र को भी जीतना चाहते हैं, वो चीजें अलग हैं, और मेरा पसंद तो विजेंद्र भी मोदी जी को करते हैं, वो चीजें अलग हैं कि प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं किसे नहीं, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, पर हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। विजेंद्र राहुल हरा सकते हैं? देखिए हम कौन है डिसाइड करने वाले इसको कि वो हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते, बिकॉज ये जनता का फैसला है। नहीं, आप तो राहुल को आपने तो राहुल के साथ इंटरेक्ट किया, आप तो पार्टी में हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं वो हाँ। तो मैं चाहूं तो कहते प्रधानमंत्री, वो जनता का काम होता, वो हमारा काम नहीं होता, अगर जनता चाहेगी कि वो प्रधानमंत्री बने तो 100% वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर जनता नहीं चाहती तो नहीं बनेंगे, सिंपल सी बात है। नहीं बन, बहुत लोग बड़े युवा जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य जी चले गए, पायलट जी के पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आप तो बने रहेंगे ना? हाँ जी हाँ जी,
ये पक्का है, इसमें अपनी बात पे पक्के हैं आप? हाँ जी। और आपने कहा 2024 जबरदस्ती कर ले आए। अच्छा योगेश्वर जी, मतलब ये अच्छा बाकी भी जबरदस्ती ला दे क्या? नहीं नहीं बिजेंद्र के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी को ले पर कि तो अपना मन मिलता वो चीजें होते हैं, ले आए जबरदस्ती और अपने इंसान पे दोष होता है। हाँ ये चीज तो है। विजेंद्र जी को लाने का इरादा है आपका? देखिए बिल्कुल, खिलाड़ी हैं और एक जगह ऐसे बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और जो हम देश के लिए करते हैं कुछ और देश के लिए कई बोलने बात आती है, तो सही पार्टी विजेंद्र भाई के अलग हो अभी बोलते हैं आपने पीछे, ये तो खुला ऑफर मिल रहा है आपको विजेंद्र यहाँ से, और दो चीजें हैं जो अलग होते हैं। खुला ऑफर मिल रहा है, सब लोग जा रहे हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है किशोर जी, ठीक है, सुन लिया हमने। अच्छा तो मतलब आप तो कह रहे हैं कि अच्छा मैं पक्का नहीं, मैं तो बनाऊं यहाँ पे और 2024 को मैं फिर लड़ूंगा, तो मतलब फिर कांग्रेस से लड़ेंगे, ये पक्का हो गया? जी जी हाँ जी। और योगेश्वर जी का कहते हैं आदमी को कहते पता हाँ। थोड़ी लगता कल क्या है क्या नहीं है, कल आदमी जिंदा है नहीं है। अब सुशांत सिंह का देख लीजिए, बिल्कुल सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो वो थी कि लाइक सब लोग अच्छे भले कोरोना से डरे हुए थे, सडनली सुशांत सिंह की न्यूज आती है तो एवरीबडी शॉक्ड लाइक। अभी देखिए अच्छा भला हंसता हुआ चेहरा था उसका, किसी ने सोचा था कि वो ऐसा काम कर लेगा? तो भैया कल का किसी को नहीं पता, आज में जिए, कोरोना से बचे, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ रहें। रही बात ये देश राजनीति की, ये भैया पहले भी ऐसे ही चलता था जब कहते कि राजे महाराज, आगे भी ऐसे ही चलेगा, तो अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें जहां तक हो सके। दैट्स इट। योगेश्वर जी ये बताइए, अब क्या इस काल के बाद, कोरोना काल के बाद आपका जीवन कितना बदला है? देखिए कोरोना काल के दौरान काफी कुछ बदलाव हुए हैं, पूरे देश में बदलाव हुए हैं, एक लिमिट हुई है हर जगह हाँ। कहीं जाना आना जाना बहुत कम हुआ है, कहीं शहर में बहुत कम जाना आपका हुआ अपना, है। वैसे आपका मेरा अपनी लाइफ में क्या तब्दीली आई? मेरा खुद नहीं खुद का, मेरा लॉकडाउन में भी मैं लगा हुआ था लोगों की सेवा करने में, जहां तक राशन नहीं पहुंचता था, जो गरीब परिवार थे, जो मैं प्रवासी नहीं बोलूंगा, जो बाहर से यूपी से थे एमपी से, जिनको राशन की जरूरत था, जो वैसे भी कोई परेशानी उसके लिए तब भी लगे हुए थे। अब तो वो चीजें खत्म हो चुकी है और अब तो वापिस लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे रोजगार के लिए, रोजगार उसमें लगे भी हुए हैं। बस यही है कि थोड़ा सेफ्टी की वजह से, सुरक्षा की वजह से कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं जी, जो चीजें पहले बेखूब घूमते थे, कहीं भी आ जाते थे, चले जाते थे बिना मास्क के, बिना उसके किसी भी, वो चीजें थोड़ी चेंज हुई है। और खुद विजेंद्र भाई ने बताया भी आपको कि परिवार खुद से ज्यादा अपने परिवार के, अपने बच्चों की चिंता। लेकिन मैं विजेंद्र भाई से जाते जाते बस आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा था विजेंद्र, ये इस कोरोना काल से पहले ये था कि बहुत जल्द वर्ल्ड फाइट होगी और विजेंद्र शायद वर्ल्ड फाइट इंडिया में लड़ेंगे, अब उसका क्या होगा, कब होगा, क्या उम्मीद है? जी इस लॉकडाउन की वजह से हमारी जो फाइट थी, एक फाइट कैंसिल हो गई, अभी हम अप्रैल में एक फाइट थी हमारी, लेकिन जब सब चीजें यूएस का बुरा हाल हुआ उसके बाद हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन हुआ, तो उसकी वजह से जो फाइट थी अभी पोस्टपोन हो गई, आगे चली गई है। तो ये सबसे बड़ी एक हमारी एक सेटबैक था, लेकिन हाँ आगे भी बात चल रही है, तो विद इन मे बी अगर हालात ठीक रहे हिंदुस्तान के और अमेरिका के, तो होपफुली 2-3 महीने में फाइट हो जाएगी हमारी फिर से। चलिए और उम्मीद करेंगे कि फिर वर्ल्ड फाइट में आपको वो मिले जो सपना है सब हर प्रोफेशनल बॉक्सर का, वर्ल्ड टाइटल, और उसके लिए आपको हमारी शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। योगेश्वर जी बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, ये खिलाड़ियों वाला बाउट जो है ये बढ़िया रहता है, अब वो असली खिलाड़ी आने वाले हैं इसके बाद, बिना मसाले का नहीं ये वाला मसाला भी होना चाहिए, नहीं चलाएंगे ये वाला मसाला भी होना चाहिए, और अब आगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उस वाले मसाले के लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बात करेंगे कि खतरे में देश है या कांग्रेस, अमीश के साथ।